एस कॉन्वेंट स्कूल का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन ने 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से हम भारतवासी इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से हर लोग उल्लास से मनाते हैं। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वे लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों ने यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंडल पांडे, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जी, अब्दुल कलाम आजाद, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एक मात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी तो प्राप्त हुई, पर जाते जाते उन्होंने हमारे राष्ट्र की पूरे धन संपदा लूटकर इसे खोखला कर दिया था। इसलिए सभी वर्ष हमारे लिए इतने भी आसान नहीं थे। हम आजादी के बाद भी हमारे देश को दृढ़ता के साथ खड़े होने के लिए आधार संदर्भ की आवश्यकता थी। हमें हर चीज की फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता थी और उस दौरान देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए कानून एवं संवैधानिक ढांचों का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम इन सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार किया और अंत में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। नमन है वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामी की मजबूत पीढ़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माता को आजाद कराया। आज के समय में हमारे देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सूची में गिना जाता है, जहां नागरिकों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाता। यहां पर हर नागरिकों को अपनी बात रखने तथा दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाया बिना कार्य का अधिकार होता है। अभी हमारे देश के एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश। हालांकि अभी हमें भी काफी लंबा सफर बचा है और यह हमारे देश की युवा शक्ति है जो इस देश में अनुकूल परिवर्तन ला सकती है और इसे समृद्ध और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। ऐसे कई गंभीर क्षेत्र हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप आने वाले भविष्य है, आप लोगों में से कुछ आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य तरह के पेशों को अपनाएंगे, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि आप कभी भी सिद्धांतों से समझौता ना करें। एक ईमानदार, जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने जीवन को नियंत्रित कर देश की सेवा करते हैं। वास्तव में यही से आपकी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ
पूर्ण जोश रहता है। 15 अगस्त दिवस के दिन सभी विद्यालय, कॉलेज, संस्थान, बाजार, कार्यालय, कारखाने में झंडा फहराकर हम भारतवासी इस पर्व को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारे पर्व हृदय में नवीन स्फूर्ति, आशा, उत्साह, देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें कितनी भी कुर्बानियों देकर यह आजादी प्राप्त है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों को त्याग क्यों न करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सर्वभक्ता की रक्षा कर प्रण लेते हैं। हमारा भारत देश हर क्षेत्र में उन्नति करे, इसके लिए हम नागरिकों को अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए। आज भी हमारे नवादा बिहार में हर बच्चे को उपयुक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मुझे इस समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने इस समाज के बच्चों को उपयुक्त शिक्षा का प्रबंध करूं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रण लेता हूं। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करूं, जो बच्चे आगे चलकर हमारे समाज, हमारे जिला का नाम रोशन करे। और मैं करूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है कि जो देश और समाज को बदलने का कुवत रखता है। हम चाहे जितना विकास कर ले, अगर बच्चों को उपयुक्त शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो सब बेकार है। हम जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भूल न जाना भारत माता के सपूतों को बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये कि बनाएंगे देश भारत को और महान। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।